The latest Russian bombardments had hit yet more homes, injuring the very civilians the Kremlin promised had nothing to fear from what it calls a targeted attack on the Ukrainian military. Because we are willing to come, we want to come, we are not safe, but university is not willing to send. They should leave Kiev, they should leave Ukraine as orderly and quickly as possible. Now Air India is running 3 special flights. Guys, if you are studying overseas or aap padh rahe hain kisi country mein jo ki outside of Europe hai, या वो कंट्री यूके, यूएस या कोई भी ऐसी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम पर, यू प्रोबेबली डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस न्यूज़ बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन यू. मे बी अ लिटिल बिट इकोनॉमिकली बिकॉज सम कंट्रीज हैव नाउ बैन्स दैट आर इम्पोज ऑन ट्रेड विद रशिया, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप पे कोई भी मेजर इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलने वाला है. सो इफ़ यू आर फ्रॉम वन ऑफ दीज कंट्रीज और यू आर टारगेटिंग वन ऑफ दीज कंट्रीज, राइट, एंड यू आर वंडरिंग व्हाट विल द इम्पैक्ट बी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन दीज कंट्रीज, तो कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है. बट वेन इट कम्स टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो यूक्रेन में करीब करीब अभी से 2 हफ्ते पहले तक ही 18,000 से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स थे. दैट मीन्स 18,000 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स, जो कि अराउंड 25%, अगर उनके सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का पूल देखें हम, तो अराउंड 25% आकर के बैठते हैं उनके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो कि इंडियंस ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट परसेंटेज. इनफैक्ट अगर आप चार्ट को देखते हैं स्क्रीन पर, तो ये सबसे बड़ी परसेंटेज है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर कंट्रीज आउट देयर, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं यूक्रेन में इस टाइम पर. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट और क्या है आगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ये वाले जो भी इंडियंस हैं और जो भी और भी कंट्रीज के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यानी कि चाहे वो इंडियंस हो, पाकिस्तानी हो, मोरक्कन हो या कोई भी और हो जो आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, ये लोग क्यों जा रहे हैं यूक्रेन और ऐसा क्या उनका प्रेफरेंस है जो वो यूक्रेन में जा करके पढ़ते हैं. इसके 3 रीज़न हो सकते हैं मेन. तो पहला रीज़न तो ये है कि रिलेटिवली अफोर्डेबल ट्यूशन, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल ट्यूशन रहता है यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ का एज़ कम्पेयर टू आप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को भी देखेंगे कुछ फील्ड्स में, और मैं उन फील्ड्स की बात करने वाला हूँ. बट आप इससे पहले देखें, ये 3 काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं और उनका एवरेज ट्यूशन आप देख पा रहे हैं, 1 साल का जो भी ट्यूशन स्टूडेंट्स पे करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट अमाउंट है यहाँ पर, स्पेशली अगर आप फील्ड्स को देखते हैं तो. क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़ में मेडिसिन या इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जाते हैं इंडिया से भी, क्योंकि मेडिकल कोर्सेज, खास करके आप MBBS जैसे कोर्सेज देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी. तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है वो प्राइसेस काफ़ी कम है यूनिवर्सिटीज़ के इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन जो स्टूडेंट्स को पे करना पड़ता है, और एजुकेशन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है बिकॉज इन यूनिवर्सिटीज़ से जो डिग्री मिलती है उसको वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल रिकॉग्निशन मिला हुआ है. दैट मीन्स कि ये जो डिग्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हैं और इनका यूज़ करके आप ऑलमोस्ट किसी भी कंट्री में जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिसिन. ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है जो कि काफ़ी कम कॉस्ट पर मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू कंट्रीज़ लाइक द US, कैनेडा. आप वहाँ पर जाते हैं और आप देखते हैं आपको जो ट्यूशन पे करना पड़ता है वो यहाँ से कहीं ज़्यादा होता है. तो आज की डेट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में ऑलरेडी है उनकी क्या हालत है और क्या चल रहा है, और फ्यूचर में स्टूडेंट्स को जिनको यूक्रेन जाने का मन है उन्हें क्या करना चाहिए है. तो बेसिकली यार अभी जो सबसे पहले न्यूज़ है वो तो हमें पता ही है, यूक्रेन में कोई भी आज की डेट में सेफ नहीं है. इनफैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात ना करें, यूक्रेन के नेशनल्स ही वहाँ पर सेफ नहीं है आज की डेट में. तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हालत कैसी होगी. वर्ल्ड वाइड जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को वापस बुलाना चाह रही हैं. इनफैक्ट इंडिया की गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी फ्लाइट्स भेजी हैं, ना सिर्फ यूक्रेन में बट ऑल्सो बुकारेस्ट रोमानिया में भी, जो कि एक नेबरिंग कंट्री है यूक्रेन के लिए, और वहाँ से भी वो एयर इंडिया के फ्लाइट के थ्रू उन स्टूडेंट्स को लेकर के आ रहे हैं वापस इंडिया. इनफैक्ट इंडिया ने काफ़ी पहले ही ये प्रोविज़न कर दिया था. ऑब्वियसली इन स्टूडेंट्स की एजुकेशन एक तौर पर रुक ही गई है यहाँ पर आकर के, और इंडिया ने तो काफ़ी पहले ही एक एडवाइजरी भी इशू कर दी थी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं जिनका काम वहाँ पर बहुत ज़रूरी नहीं है यूक्रेन में, उनको वापस आ जाना चाहिए. ये वॉर स्टार्ट होने से 2 दिन पहले ही इशू कर दिया गया था. बट जैसा कि आप देख पाएंगे इस वीडियो में भी, यूक्रेन की गवर्नमेंट और यूक्रेन के स्कूल्स ने उस एडवाइजरी नोटिस को ज़्यादा ऑनर नहीं किया है. आवर गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड एन एडवाइजरी नोटिस, अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड लीव यूक्रेन टेम्पररीली. But the dean told me that it's not it has no mean of these letters for me. If Ukrainian ministry give me an official order, then I will do something for you. Or in fact,
काफ़ी सारे ऐसे भी देश हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को नहीं वापस ला पा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तानी एम्बेसी के अगेंस्ट एक स्टूडेंट ने भी यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, अगर आप देखेंगे तो। देखिए आपको क्या नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे, जब जंग शुरू हो जाएगी तब भी आइए, आप तैयार आएगा, आपको लेके इवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है, बस ये अपने नंबर बढ़ा रहे हैं जियो न्यूज़ वगैरह पे चैनल पे करके कि हमने ये कर दिया। हम सब, मेरी सब पाकिस्तानी से गुजारिश है कि इन पाकिस्तानी एम्बेसडर्स पे जरा यकीन ना किया जाए, ये बिल्कुल गरीब है। इन्होंने हमें ये भी, हम पहले सब ने अपनी टिकट्स बुक कर ली थी कि हम कीव जाते हैं, वहां से हम इवैक्यूएट करेंगे, इन्होंने हमें कहा है कि अपनी टिकट ही आप लोग कैंसिल कर दें, हमारे वो पैसे जाया हुए। इन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, ना हमारे पाकिस्तान एम्बेसी इतनी अमीर है कि आपकी जिम्मेदारी उठाए। इसलिए अब आप देख सकते हैं हम सारे यहाँ, कोई किसी को नहीं पता कि ये पाकिस्तानी है, कि हमारे को वापस आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं आने दिया जा रहा है जस्ट बिकॉज हमारे को एम्बेसी बोल रही है हमारे पास पैसे नहीं है तुम लोगों को वापस लाने के लिए, इवन दो स्टूडेंट्स ने टिकट्स भी परचेज किए थे। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं तो कहूँगा कि यार, अगर आप कोई स्टूडेंट हो जो कि यूक्रेन या रशिया में जाने की सोच रहा है और अभी वो श्योर नहीं है कि वो उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, माय रिकमेंडेशन इज़ आप थोड़ा सा रुक जाएं या फिर आप किसी और कंट्री को देखें, ऑल्टरनेटिव ढूंढें इस टाइम पर, बिकॉज अगर आपकी एजुकेशन स्टार्ट नहीं हुई है तो यहाँ पर जाना बीच में ये सब के चलते हुए बिल्कुल भी एडवाइज़ नहीं करेंगे हम लोग। ऑब्वियसली आपकी अगर एजुकेशन वहाँ पर चल रही है तो ये गवर्नमेंट का ही अब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी एजुकेशन को वो नल वॉइड ना करें, बेसिकली आपकी डिग्री आपको मिलनी चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे जो भी है ये सब, इससे आपकी एजुकेशन पे इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है अगर आप यूक्रेन या रशिया में एक स्टूडेंट हैं, वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट खास करके। अभी रशिया पर स्टूडेंट्स पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, होपफुली ना ही देखने को मिले तो ही अच्छा है, और यूक्रेन के स्टूडेंट्स की भी एजुकेशन हम तो यही चाहेंगे कि स्टार्ट हो जाए वापस से, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी। जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, इट डजेंट सीम लाइक इट्स गोइंग टू एंड ऑन अ वेरी गुड नोट, सो यू शुड डेफिनेटली कम बैक टू योर ओन कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड वेट अंटिल इट इज़ सेफ टू गो बैक। For more international student related news, you can subscribe to our channel where we will be covering more information as the updates continue to flow in. Thank you so much for watching. Goodbye and take care for now.